हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। द मीन ऑफ नंबर ए बी 6 दिया हुआ है और वेरिएंस आपका 6.80 है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब आपको कई बार आपने इस तरीके क्वेश्चन कर लिए कि आपको दो ऑब्जर्वेशन नहीं पता है, बाकी 3 ऑब्जर्वेशन आपके गिवन है और इससे मैं आपको निकालना है वेरियंस। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, फिर से रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। द वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वेरियंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स पूछा गया है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो क्या कहा आएगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू कितने नंबर्स हैं? एन है, तो 2n का स्क्वायर है ना। ठीक है, 2, 4, 6, 2n इन्हीं का वेरियंस चाहिए ना आपको। तो सभी का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाई एन माइनस सबका आपने 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2n अपॉन 2 सॉरी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये एक्स बार हो गया मीन और ये हो गया आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन। ठीक है, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप निकाल सकते ही हो इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मेन डिविएशन दिया गया है नंबर्स का फ्रॉम देयर मीन इज 255, देन द वैल्यू ऑफ डी इज। तो मेन डिविएशन की बात की गई है, मेन डिविएशन आपका किसके अराउंड 250, सॉरी मीन के अबाउट। ठीक है, तो आपके पास मीन कितना है निकाल लीजिए, 1 1 प्लस डी 1 प्लस 2 डी और अप टू इसी तरीके से 1 प्लस 100 डी डिवाइडेड बाई कितना आएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास कितना है टोटल 101 टर्म्स थी। ठीक है, तो इनका सम कर दीजिए, इनका सम कितना आएगा, 1 कितनी बार है 101 टाइम्स प्लस डी 1 प्लस 2 अप टू 100 डिवाइडेड बाई 101। तो ये आपका आ गया 1 प्लस डी इन टू, इसका सम कितना होगा, ये आ जाएगा आपका कटपिट करके। ठीक है, तो 1 प्लस 50 डी ये आपका मीन है और इससे आपके डिविएशन हैं। ठीक है, तो मीन डिविएशन मतलब इससे हर एक टर्म का डिविएशन देखिए। तो इससे पहली टर्म कितनी डिविएट होती है 50 डी, फिर अगली टर्म कितनी डिविएट होती है 49, फिर कितनी होती है 48 अप टू 0 तक आएगा, फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे 1 प्लस 51 डी तो फिर से डी आ जाएगा, 52 डी फिर से डी 2 डी आ जाएगा और ऐसे करते हुए लास्ट में 1 प्लस 100 डी है उसका इससे डिविएशन कितना आ जाएगा 50 डी अपॉन कितना आएगा, अपॉन आ जाएगा आपका कितने टर्म्स हैं 101 है ना। तो ये मीन डिविएशन होगा और ये मीन डिविएशन आपका दिया हुआ है 255, यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया था वो देखिए एक बार। If the mean deviation about the median of the number is 50, then mod a equals, ठीक है, फिर सेम तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर थोड़ा देखिए, मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर इज 50, तो मीडियन कितना है, मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन के अबाउट है ना। हाँ ठीक है, तो a से लेकर के आपके पास 50 a तक लिखे गए हैं, मतलब 50 टर्म्स लिखे गए हैं। 50 टर्म्स अगर लिखे गए हैं तो आपका मिड कितना आएगा, मिड आएगा आपका 25 और 26 बाई 2, यही आपका मीडियन होगा। ठीक है, T5 मतलब कितना हो गया, T5 मतलब हो गया 25 a और T26 मतलब 26 a, तो मीडियन आपका कितना हो गया 51 a बाई 2, तो 25.5 a। ठीक है, अब इससे आपको हर एक नंबर का डिविएशन देखना है। 20.55 a से a का डिविएशन 24.5 a प्लस देखिए 2a से इसका डिविएशन 23.5 है, प्लस देखिए आप 3a से 22.5 है, ऐसे करते हुए आप लास्ट में कहां तक चले जाओगे, आपको मिलेगा इसके अगल बगल क्या 25 है, 25 का इससे डिविएशन कितना होगा पॉइंट, ठीक है 0.5 है, और फिर आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 26 और इसके बीच का डिविएशन 0.5 है ना, फिर से यही सीरीज आपकी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने 2 लिख दिया इनटू में और डिवीजन में आप क्या कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स हैं आपके पास 50 टर्म्स हैं। ठीक है, ठीक है, और ये वैल्यू आपको दी गई है 50। ठीक है कि दिस आउटकम इज 50, तो वहां से आपको ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में साइंटिस्ट इज वेइंग ईच ऑफ 30 फिशेस, their mean weight worked out is 30 gram and a standard deviation of 2 gram. Later it was found that the measuring scale was misaligned and always under
रिपोर्टेड एवरी फिश वेट बाई 2 ग्राम द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो एक्स आई डेटा था हमारे पास उसका मीन और डिविएशन हमें दिया गया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें एक्स आई डेटा के लिए नहीं निकालना चाहिए था, हमें निकालना चाहिए था कि एक्चुअली फिश का जो वेट है वो एक्स आई प्लस 2 था, है ना, एक्स आई प्लस 2 था क्योंकि अंडर रिपोर्ट किया ना, तो एक्चुअल डेटा जो था वो क्या था, 2 यूनिट्स ज्यादा था, तो एक्स आई प्लस 2। तो क्या अगर हम एक्स आई का स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 2 आता है तो एक्स आई प्लस 2 का कितना होगा, 2 ही होगा क्योंकि शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाकी बचा मीन, तो मीन आपका जरूर 2 यूनिट्स ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हर टर्म 2 यूनिट्स बढ़ रही है, तो एवरेज भी सिंपल सी बात है बढ़ी जाएगा 2 यूनिट्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि x1 x2 ये n ऑब्जर्वेशंस हैं और x बार इनका मीन और सिग्मा स्क्वायर आपका वेरिएंस है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि 2x1 2x2 के लिए क्या होगा, तो बिल्कुल 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेरिएंस है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 टाइम्स मतलब वेरिएंस 4 टाइम्स। अर्थमेटिक मीन आपने हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x बार आपका अर्थमेटिक मीन होना चाहिए था, मतलब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स, द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच ऑफ द स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल मेजर्स विल नॉट चेंज इवन आफ्टर ग्रेस मार्क्स वेयर गिवन। अच्छा, तो हर एक डेटा में हमने 10 नंबर जोड़ दिया, हर एक डेटा में हमने 10 नंबर जोड़ दिया, तो कौन सी चीज नहीं बदलेगी, वेरिएंस नहीं बदलेगा क्योंकि शिफ्टिंग की गई। ठीक है, जो 0 था वो 10 हो गया, 10 था 20 हो गया, 20 का 30 हो गया, सब में 10 ऐड हो गया, तो वेरिएंस नहीं बदलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं, यही वाला केस है, है ना, ये जो हमने n के लिए किया है उसने 50 के लिए कर दिया बस। द मीन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ डेटा सेट कंप्राइजिंग 16 ऑब्जर्वेशंस इज 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं अपन। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड एंड 3 न्यू ऑब्जर्वेशंस वैल्यूड आर एडेड देन द मीन ऑफ द रिजल्टेंट डेटा। अच्छा, तो पहले 16 ऑब्जर्वेशंस थे जिनका सम 16 हुआ करता था, तो मतलब उन सभी का सम कितना था, 16 × 16 256 हुआ करता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो पहले सभी डेटा का सम 256 था, इसमें से हमने कहा कि एक ऑब्जर्वेशन जो 16 थी वो नहीं होनी चाहिए थी, मतलब उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे हमने 3 नए ऑब्जर्वेशंस ले लिए, तो नए ऑब्जर्वेशंस आपने क्या लिए, 3, 4 और 5। लेकिन आपका टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया, कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए, 16 में से आपने एक डेटा हटा दिया था 15, फिर 3 डेटा आपने नए ऐड कर दिए तो 18, तो आपके पास आ गया 252/18 मतलब 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए 11th में। 11th में आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर्स 2, 3, a and 11 इज 3.5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका इन नंबर्स का गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर्स 2, 3, a and 11। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ठीक है एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आप जैसे सॉल्व करोगे, क्या करना है इसमें, देखो इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, 2² + 3² + 8² + 121 / कितना है आपका 4, है ना, माइनस इनका जो मीन होगा नहीं दिया गया है तो अपन लिख लेंगे 2 + 3 + 8 + 11 / 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये वैल्यू आपकी है 3.5 का होल स्क्वायर, 3.5 डिविएशन दिया हुआ है, यहाँ से आपके पास में क्वाड्रेटिक निकल के आ जाएगा। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं नोट्स में ही। ठीक है, वैल्यूज बस डिफरेंट लिखी हुई हैं बट अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हैव एन एवरेज वेट ऑफ 150 एंड वेरिएंस 18, अ न्यू स्टूडेंट हुज हाइट इज समथिंग जॉइंड देम, देन द वेरिएंस ऑफ द हाइट ऑफ दीज 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले हमारे पास x1 स्क्वायर, ठीक है, से लेकर के x5 स्क्वायर तक के लोग थे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 होता था, माइनस एक्स बार का स्क्वायर लगता था और आउटकम कितना आता था, वेरिएंस कितना है, 16 है, है ना, नहीं 16 नहीं 18 है, वेरिएंस आपका 18 था और एवरेज हाइट आपकी 150 थी, तो 150 यहां पे लग गया, तो आपका x1 स्क्वायर + x2 स्क्वायर
प्लस अप टू एक्स फाइव स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, तो 18 प्लस 150 का स्क्वायर है ना, और इनटू 5, तो ये आपका कितना आ गया 90 प्लस 5 इनटू 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका x1 से लेकर के x5 तक के स्क्वायर्स का सम आ गया। आपको लाइक चीज क्या बची हुई है कि जो सिक्स्थ है वो बंदा कितना है 156 वाला है, ठीक है। तो अब जो नया मीन होगा x बार न्यू, ठीक है, वो क्या होगा, तो न्यू वाला x बार मतलब पहले पांच थे उनका मीन होता था 150, मतलब सभी का सम कितना आता था 750 आता था। अब इस 750 में आपने क्या किया, एक 156 वाला बंदा और ऐड कर दिया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने हो गए 6, तो यहां से आपके पास कितना आ गया, ये बन गया आपका 151, ठीक है। तो x बार न्यू जो है वो कितना है 151 है। आपको क्या चाहिए, आपको अब करना है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर प्लस x6 स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 151 का स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका नया वेरिएंस हो जाएगा। तो ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बाकी बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हमने 12 लिख रखा है, ये 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास डेटा दिया हुआ है एन ऑब्जर्वेशंस, और कहा जा रहा है कि x1 plus 1 का होल स्क्वायर और x1 minus 1 के होल स्क्वायर के समेशन गिवन है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डेटा इज, ठीक है, इसका आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है xi वाले डेटा का, ठीक है, ओके। तो देखिए क्या क्या हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक तरीके से दे दिया गया समेशन ओवर xi प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड इसको समझते हैं क्या है, ये है आपका x1 स्क्वायर, ठीक है, मतलब एक बार को एक्सपेंड ही कर लो तुम पहले, ठीक है, समेशन ओवर xi स्क्वायर प्लस 2 समेशन xi प्लस समेशन ओवर 1, एंड दिस इज इक्वल टू 9 है। अब आपके कितने मतलब i कैसे वेरी कर रहा था, तो 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा था, तो इसका मतलब ये बन गया आपका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये बन गया आपका x1 प्लस x2 अप टू xn, और 1 का समेशन कितना होगा n, तो 9n में से n सबट्रैक्ट 8n, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट दे देगा 8n के बराबर। फिर आप दूसरा सेट देखिए, दूसरा सेट है आपके पास समेशन ओवर xi माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू 5n, और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, सिमिलरली ये टर्म बनेगी माइनस 2 टाइम्स ये बनेगा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4n आ जाएगा, है ना, सेम तरीके से आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो तो आप देख सकते हो 2 टाइम्स समेशन ओवर xi स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू कितना 8n प्लस 4n मतलब 12n, मतलब समेशन ओवर xi स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 6n। तो अगर ये 6n है, टोटल 8n होना था, तो ये टोटल कितना था 2n था, तो ये आपका 6n है, तो ये पूरा कितना बचा 2n, तो 2 यहां हट गया, बाकी अंदर क्या बचा n, तो समेशन ओवर xi कितना था n के बराबर था। अब आप डेविएशन निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है 15th क्वेश्चन में, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 5 एंड देयर वेरिएंस इज समथिंग, इफ 3 ऑफ द गिवन 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ अदर 2 ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके के अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं फिर से इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, हम दोनों ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं क्योंकि मीन हमारे पास 5 दिया हुआ है और वेरिएंस 5 ऑब्जर्वेशंस का गिवन है, और फिर हमें 3 ऑब्जर्वेशंस बता दिए गए, तो 2 ऑब्जर्वेशंस हमें फाइंड आउट करने हैं, वो फाइंड आउट कर लोगे तो रेशियो तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो कई बार वैसे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस का 10 और 3 है, वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, मतलब इसमें ये 5 यूज किए और माइनस 50 और लगा लिया, ठीक है। तो इस तरीके के भी बहुत सारे सवाल कर लिए अपन, कर लेते हैं एक बार फिर से कि हमारे पास जो एक्स बार न्यू आएगा, एक्स बार न्यू कितना होगा, पहले सम कितना होता था 10 इंटू 5, है ना, मीन 10 था 5 चीजों का, तो सम उनका कितना था 10 इंटू 5, अब एक और ऑब्जर्वेशन आपने जोड़ दिया माइनस 50, टोटल कितना हो गया 0, ठीक है। तो नया मीन जो है वो कितना है 0 के बराबर है।
अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका वेरियंस फाइंड आउट करिए। तो आप देखो पहले कितना था इसका, स्टैंडर्ड डिविएशन था 3, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 3 था, मतलब पहले आपके पास समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स बार कितना होता था 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था स्टैंडर्ड डिविएशन 3 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट हटाने के बाद इधर स्क्वायर कर दिया, तो समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर वॉज 109 इंटू 5 945। तो आपके पास इन सबका सम 945 हुआ करता था। अब आपको क्या करना है, अब आपको नया वेरियंस निकालना है। तो वेरियंस न्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वन स्क्वायर से लेके एक्स फाइव स्क्वायर का सम और बाकी माइनस 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो 945 प्लस 2500, ठीक है, ये आपका वेरियंस आ जाएगा। सही आ रहा है क्या? 3445 अपॉन 6, तो 570 के अप्रॉक्स कुछ बनना चाहिए। ये क्या दे रखा है इसने, 10 और 3 है, तो 3 आपका डिविएशन ही था। तो समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर नया मीन तो 0 ही है, समथिंग होना चाहिए यार इसका, शायद ऑप्शंस इसके गड़बड़ दिए हुए हैं, मे बी मिस प्रिंट हुआ होगा। तो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हारे 5 ऑब्जर्वेशंस के 10 और 3 रिस्पेक्टिवली, तो माइनस 10 स्क्वायर और इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, वेरियंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ माइनस 50 एक यूज कर लिया अपॉन 6 माइनस 0 का स्क्वायर। सही है, अपन सही कर रहे हैं, शायद ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ दे रखी है उन्होंने, मिस टाइप हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, आउटकम ऑफ ईच ऑफ 30 आइटम्स वाज ऑब्जर्व्ड, 10 आइटम्स गिव एन आउटकम 1/2 माइनस डी, 10 आइटम्स 1/2 एंड रिमेनिंग 10 1/2 प्लस डी। इफ द वेरियंस ऑफ आउटकम डेटा इज 4/3 देन मॉड डी इज इक्वल टू, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, देखो 17th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1/2 कितने लोगों ने दिया है, 10 लोगों ने दिया है, तो आप 10 टाइम्स क्या ऐड करोगे 1/2 का स्क्वायर। समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 के स्क्वायर को 10 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 10 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा इसे और 10 टाइम्स ही आपको ऐड करना पड़ेगा इसे और डिवाइडेड बाई आपका कितना होगा 30, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन 30 है ना, टोटल 30 आइटम्स थे, ठीक है, और इनका वेरियंस कितना आ रहा है 4/3, तो माइनस इनका अभी मीन बचा हुआ है। मीन तो कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो क्या, मीन आ जाएगा आपके पास 1/2 ही आएगा मीन, और ये स्क्वायर कर दिया हमने, तो दिस आउटकम इज 4/3, सो नाउ यू हैव टू फाइंड मॉड ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपको सम ऑफ डिविएशन, अलजेब्रिकल डिविएशन है ना, तो एक्स वन माइनस 30, एक्स टू माइनस 30 और एक्स फाइव माइनस 30, ठीक है। अच्छा 50 ऑब्जर्वेशन है, सभी का सम कितना है 50 है, तो आपको अब यहां से निकालना है मीन, तो एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स फाइव आपका निकल, एक्स 50 आपका निकल गया, अगर ये आ गया तो अब आप सीधा मीन निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो ये कायदे से इसे दिया जाना चाहिए था, सम ऑफ अलजेब्रिकल डिविएशंस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब उसने इन्हीं के सम के बारे में बोला है, ठीक है, कि वो 50 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में मीन और वेरियंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 3 ऑब्जर्वेशंस दे दिए गए आपको, बाकी दो निकालने हैं और उनका डिफरेंस लिख देना है, ये बहुत बार सवाल आ चुका, ठीक है, तो अपन फिर से नहीं करेंगे इसे। फिर अपन चलते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 पे, सॉरी एक्सरसाइज 2 में जो कॉम्प्रिहेंशन हमारा बचा हुआ था, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 12-14 वाला। अब ये थ्योरी आपको समझनी भी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा इस थ्योरी को, ये मतलब हो सकता है कि कभी आपसे इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे,
कि मीन मीडियन मोड की बात की गई है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं. मीन इज यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर रिजल्ट्स. ठीक है, अब डेटा किस तरीके का हो सो दैट आपको एक्यूरेसी आपको मिलेगी. ठीक है, कि मीन हमें ज्यादा एक्यूरेट डेटा कब देगा, मीडियन कब देगा, मोड कब देगा, इसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, तो आप देखिए क्या कहा जा रहा है. मीन इज यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर रिजल्ट्स व्हेन देयर आर नो एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा सेट. मतलब ऐसा ना हो कि बाकी कुछ, मतलब थोड़ा जो एक तरीके से जैसे स्टूडेंट्स का जो क्लास एवरेज है हम ना, उसकी अगर हम बात करें तो आपके पास डेटा ऐसा ना हो कि हम कुछ डेटा ले रहे थे 1, 2, 3, 4 ऐसे डेटा चल रहा था और एक का डेटा पहुंच गया 800. तो ठीक है, तो ऐसा क्या होगा कि आपका एक्सट्रीम डेटा होने से अचानक से वैल्यू बहुत ज़्यादा आपके मीन की तो बढ़ जाएगी, बट वो एक्यूरेसी नहीं देगा कि पूरे उस ग्रुप की टेंडेंसी कैसी थी, उस डेटा सेट की टेंडेंसी कैसी थी. वो चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी कि वो 1, 2, 3, 4 के ऑलमोस्ट क्लोज था, 800 से उसका कोई रिश्ता नहीं है, तब भी नंबर बहुत भाग गया. ठीक है, नंबर हमारा 100 के ऊपर निकल गया जो हम एवरेज निकालेंगे या फिर मीन निकालेंगे. तो मीन हमें ऐसे केसेस में एक्यूरेसी नहीं देगा, डेटा के नेचर के बारे में नहीं बता पाएगा जहां हमारा डेटा सेट में कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो. ठीक है, मतलब आसपास की वैल्यूज होनी चाहिए. फिर हमसे कहा जा रहा है द मीडियन में बी मोर यूजफुल देन द मीन व्हेन देयर आर एक्सट्रीम वैल्यूज. तो मीडियन अगर है तो मिडिल टर्म तो वैसा ही रहेगा ना, आप सबसे बड़ी टर्म को या सबसे छोटी टर्म को आप और बड़ा कर दो या छोटा कर दो. ठीक है, तो मीडियन जो होगा वो तो मिडिल टर्म देगा. ठीक है, मिडिल टर्म के बारे में कमेंट करेगा. तो जब एक्सट्रीम वैल्यूज हो तो ऐसे केस में हम मीडियन को प्रेफर कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है. ठीक है, द मीडियन इज मोस्ट कॉमनली कोटेड फिगर यूज टू मेजर प्रॉपर्टी प्राइसेस. ठीक है, एज मीन प्रॉपर्टी प्राइसेस इज अफेक्टेड बाई अ फ्यू एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल प्रॉपर्टी मार्केट. द मोड इज यूजफुल व्हेन द मोस्ट कॉमन आइटम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेटा सेट इज रिक्वायर्ड. मतलब कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम कहेंगे मोड. ठीक है, द मोड हैज एप्लीकेशंस इन प्रिंटिंग. इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिंट मोर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स. ठीक है, सबसे ज्यादा बुक्स जो हैं, सबसे ज्यादा जो बिकी, ठीक है, उसको हम और ज्यादा प्रिंट करेंगे, इसकी बात है. ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सट्रीम, मतलब थोड़ा सिमेट्रिक सा डेटा सेट है तो ऐसे केस में आप यूज करोगे मीन. अगर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज दे दी गई हैं तो आप ऐसे केस में प्रेफर करोगे मीडियन, और मोड आपका स्पेसिफिक कामों में यूज होगा. तो अपन देखते हैं, चलिए क्वेश्चंस. क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है, 12 में हमारे पास कौन सा चीज हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मीन या मीडियन या मोड. तो हमारे पास क्या है, सैलरी की बात की जा रही है. और इस सैलरी में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 15,000, 10,000, 7,000, 12,000 ऐसे वाले रेंज में अच्छे खासे लोग थे, लेकिन 3 लोग 90,000 में निकल गए और 2 लोग 95,000 में निकल गए. तो ये वैल्यूज क्या हो गई, एक्सट्रीम हो गई ना. बाकी सब तो थोड़े छोटे छोटे वाले थे, लेकिन कुछ ही लोग थे, लेकिन उन्होंने क्या करा होगा, अगर मैं मीन निकालने जाऊंगा तो एवरेज को बहुत बढ़ा दिया होगा. तो इसलिए हम मीन निकालने के लिए नहीं जाएंगे, अपन मीडियन पे जाएंगे. ठीक है, तो इसका मीडियन आपका आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल है देन मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा. ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरीके का डेटा दिया हुआ है, हम नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो देखो थोड़ा सिमेट्रिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है ना. 2 लोग 5 है, 4 लोग 10 है, 5 लोग है ना, मतलब सॉरी 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 स्कोर किया है, 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 स्कोर किया, मतलब इस तरीके का डेटा सेट है. तो यहाँ पे हमारे लिए एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो अगर एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है तो ऐसे केस में हमारा मीन काम का रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हमारे पास वेदर फोरकास्ट के लिए है. ठीक है, स्नो इज लाइकली टू बी इन जनवरी, तो किस बेसिस पे बोला जाएगा. ऑफ कोर्स उस समय की टेंडेंसी देखी होगी, भाई ज्यादातर टाइम जनवरी में स्नोफॉल होता है बाकी सबके कंपैरिजन में. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जनवरी में स्नो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब मोड के करेस्पॉन्डिंग इसे लिखा गया है. ठीक है, तो ये एक बार को इसकी थियरी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम वैल्यूज से क्या इफेक्ट आता है, कब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी हमारी ज्यादा एक्यूरेट है, बस ये चीजें यहाँ पे हमें आपको बतानी थी. ठीक है, तो आपका डिस्कशन खत्म होता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का. थैंक यू ऑल.